नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों ये मिक्सर ग्राइंडर है। दोस्तों ये 1, 2, 3 ठीक से काम नहीं कर रही है। 1 काम कर रही, 2 काम कर रहा है, 3rd काम कर रहा नहीं। आपका चाहे तो 1 नहीं काम कर सकता, 2 काम कर सकता, 3 काम नहीं कर सकता। आपको आपका मिक्सी के प्रॉब्लम के ऊपर चलेगा। ये 1, 2, 3 काम कर, 1, 2, 1, 2 काम कर रहा, 3 नहीं काम कर रहा है। आपका 1 काम कर सकता, 2 नहीं काम कर सकता, 3 काम कर सकता। उसके लिए आप कैसे चेक करना पड़ेगा कबल अभी। दोस्तों आप पहले सीरियस में रख लियो, बोर्ड सप्लाई दे के बाद ऑन करो। देखो ये 1 को फिर रहा, 2nd को ग्लो हो रहा, 3rd को ग्लो नहीं हो रहा है। देखो ये स्विच 2, 1, 1/2, 1, 2, 3, 3 को काम नहीं कर रहा है, हाफ हो रहा है। अब देखो डायरेक्ट भी करके दिखलाता हूँ। 1, 2, 3 को काम नहीं कर रहा है, 1, 2 काम कर रहा है। इसके लिए क्या प्रॉब्लम आ सकता है? अब पहले ये स्विच ऐसे फिरा के देख लिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा या टेंट आ रहा क्या तो अटक रहा है देख के। स्टेप बाय स्टेप करेक्ट आया तो स्विच ओके है, रखा तो वायरिंग गिरिंग अंदर कट हुई रही थी। स्विच आपको कराने के टाइम पर थोड़ा स्ट्रक कट कट होते महसूस हो गया तो प्रॉब्लम रहता बोल के। ये खोल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये खोलने के लिए आप पहले इधर 6 स्क्रू हैं, 6 स्क्रू ओपन कर लेता हूँ मैं। दोस्तों इसके 6 स्क्रू ओपन करने के बाद धीरे से इसको बाहर निकालो। दोस्तों ट्रिप स्विच को कनेक्शन रहता, ये कनेक्शन ऐसा एक्शन करके बाहर निकालो। इसमें का प्लस माइनस फेस नोडल कुछ भी नहीं रहता, इधर का उधर कैसा भी दे सकते हैं आप चाहे तो। ये देखो नीचे का ट्रिप स्विच कनेक्शन खड़ा हूँ। दोस्तों आप इधर गौर करके देखो, किधर तो भी स्विच का कनेक्शन गया क्या? कनेक्शन कुछ भी नहीं गया है। इधर अच्छे से चेक कर लो आप। ये कपड़ा ऐसा कटिंग ब्रश से बाहर निकालो और इसके अंदर एक स्क्रू भी नट भी रहेगा, इसको नट भी बाहर निकाल लो। बाहर निकाल के धीरे से ऐसा बाहर निकालो। दोस्तों बाहर निकालने के टाइम पर ये स्विच का ऐसा पॉइंट किधर है देख के निकाल लो, क्योंकि तो आप नेक्स्ट फिट करने के लिए भी अच्छा रहेगा। दोस्तों आप स्विच बाहर निकालने के बाद अच्छे से वायरन चेक कर लो, किधर तो भी लूज़ कनेक्शन है क्या। लूज़ कनेक्शन है तो कटिंग प्लेयर से अच्छा वायरन को प्रेस करके जेंट करके टेप गिप मार के चेक करो, काम हो सकता, नहीं काम हो सका है तो आप अच्छे से स्विच को ऑब्जर्व कर सकती। ये स्विच मेल्ट हो चुका है, इधर देखो, इधर आपको कैमरा में नहीं दिख रहा है, ये मैं थोड़ा डाउन करके दिखलाता हूँ कैमरा। देखिए इधर मेल्ट हो गया है। देखो इधर नंबर 3 लिखा है, देखो ये नंबर 3 का स्विच इधर पूरा मेल्ट हो गया है। उसके लिए आपको नंबर 3 काम नहीं कराया है, देखो पूरा मेल्ट हो गया है। इधर पूरा स्विच चलेगा, ये स्विच नया डालना पड़ेगा। इसको स्विच डालने के लिए पहले मार्केट में स्विच लेके आओ। स्विच ऐसा रहेगा, मार्केट में 30-40 रुपए में मिल जाएगा आपको इसको डालने के लिए। दोस्तों आप पहले से पूरे वगैरह 21 टम मत निकालो, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मेरे को कमेंट करके पूछेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आप
सिंगल सिंगल वायर देख लो इधर, ये सिंगल वायर है नंबर 3 को है, ये काटो इधर नंबर 3 इधर है, इसको दियो ऐसा। फ्री नहीं जाना ये टेंट जाना, फ्री गया तो थोड़ा कटिंग प्लेयर से ऐसा अच्छे से लाइट प्रेस करके थर्ड को रखो, ऐसा टेंट जाना पिन ने, फ्री नहीं रहना। और इसका सेकंड भी नंबर सेकंड काटो, इसको भी ऐसा डालो, ये भी लूज है, अच्छे से इसको लाइट प्रेस करके नंबर 2 को लगाना। और एक वायर काट लो, ये भी नंबर 1 को लगाओ, ये नंबर 1 को। और एक कनेक्शन भी आ सकता, वो आप चाहिए तो इधर 1 कनेक्शन के पीछे रहता 0 बोल के, उसको जंपर दे सकते हैं। आपको नहीं आया जंपर बोले तो ऐसा ही दे डालना। दे के बाद इसका न्यूट्रल है, न्यूट्रल लेके ये भी लूज है, पूरे लूज है मेरा, इसके अच्छे से टेंट कर लो। टेंट करने के बाद इसको आप अच्छे से चेक कर लो, टेप गिप मारो दोस्तों। ऐसा ये स्ल्यू बाहर आया तो क्या प्रॉब्लम नहीं होएगा, आप डरना मत, ये स्ल्यू वही रहती ना, इसके ऊपर ये रहता दोस्तों। पूरा होने के बाद स्विच का मार्क देखे थे ना आप, वही मार्क को फिट कर डालो। फिट करके इसका स्क्रू भी डालो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, घर बैठे आप रिपेयर भी कर सकते हैं। क्या तो प्रॉब्लम है तो हमारा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके ज्वाइन हो सकते हैं आप दोस्तों। होने के बाद ये नीचे के ट्रिप स्विच का कनेक्शन डायरेक्ट करो, डायरेक्ट क्यों करना, चेक करने के लिए डायरेक्ट करो। नेक्स्ट सीरियस में रखो बोर्ड, सीरियस में रखने के बाद इसका कैप भी डालो। इसका कैप डालने के लिए इधर देखो कट हो रहा था, इधर भी इसका मार्क कट हो रहा था, वो मार्क मार्क देख के अच्छे से प्रेस करना। अब देखो 1 2 3 तीन काम कर रहा है, इधर देखो स्टॉप कितना अच्छा आ रहा है, 1 2 3 स्टॉप क्लीन से आ रहा है, पहले स्टॉप नहीं आता था, चुपके 1 2 3 फिर रहा था। अब डायरेक्ट करके दिखलाता हूँ, डायरेक्ट करा हूँ दोस्तों। अब देखो 1 2 3 देखो दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम रहता है, आप चाहे तो घर बैठे कर सकती हैं। इसकी वायरिंग गिरिंग आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकती हैं, कॉल मत करो, वॉइस कॉल में बातचीत कर सकते हैं हमें, ठीक है दोस्तों। पूरा होने के बाद ये नीचे ट्रिप स्विच को कैसा वैसा कनेक्शन दो, इसमें क्या न्यूट्रल फेस क्या भी नहीं, किधर तो भी दे डालो, दे के फिट कर डालो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।